गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ करते हैं बाल महाभारत कथा। और इसमें इससे पहले हमने पढ़ा था चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। चौसर का खेल दुर्योधन ने रखा था और उसमें शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था, उनके मामा शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था और युधिष्ठिर जो है सब कुछ चौसर के खेल में हार गए थे, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे और उनको वनवास 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। जब वे 12 वर्ष के वनवास के लिए चले गए और एक साल उनको अज्ञातवास का काटना था, तो उसके बाद धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी देखिए, जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। आपको पता ही है कि धृतराष्ट्र अंधे थे, वे कुछ देख नहीं सकते थे, तो वे सारा हाल विदुर से पूछते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जब शर्त के अनुसार जब पांडव जंगल में गए तो उसके बारे में धृतराष्ट्र विदुर से पूछ रहे हैं बुला करके कि विदुर पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे या किस प्रकार से वन में चले जा रहे हैं, मैं तो कुछ देख नहीं सकता, तुम ही बताओ वे कैसे जा रहे हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कैसे जा रहे थे? कपड़े से अपना चेहरा ढककर। शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उनको, क्योंकि उन्होंने सभी भाइयों को भी जुए में हरवा दिया था और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी ना द्रौपदी, उसको भी हरवा दिया था और उसका चीर हरण भी हुआ था। तो शर्म के कारण अपना चेहरा ढक करके युधिष्ठिर जा रहे हैं, यह विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता। भीमसेन ताकतवर था, बलशाली था, शक्तिशाली था। वह जाता हुआ अपनी भुजाओं को देखता हुआ जा रहा था कि मैं इन भुजाओं से इनको मारूंगा पीटूंगा जो भी है, ऐसे मन में सोचता हुआ जा रहा था। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता। अर्जुन भी जैसे गुस्से में नीचे से मिट्टी उठा करके उसको बिखेरता हुआ जा रहा था, वह भी गुस्से में दिखाई दे रहा था। नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए। नकुल और सहदेव जो दोनों भाई थे, उन्होंने सारे शरीर पर धूल रमा ली थी, यानी अपने वहां की मिट्टी अपने शरीर पर डाल ली थी। कर्मश्य युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। कर्मश्य यानी नंबर वाइज, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस प्रकार से क्रम के अनुसार वे युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया है और वहां आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। द्रौपदी ने बिखरे हुए अपने बालों से अपना मुख ढक लिया। द्रौपदी के बाल खुले पड़े थे ना, चीर हरण हुआ तो उसके बाल उस समय भी खुले पड़े थे, तो उसने उन बालों से अपना सारा मुख ढक लिया था और रोती हुई युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही थी। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। यह सारी बातें सुनकर के धृतराष्ट्र की आशंका जो थी और चिंता जो थी, वह पहले से भी अधिक बढ़ गई। चिंता बहुत अधिक बढ़ गई धृतराष्ट्र की कि ये पांडव बाद में हमारे साथ, मेरे बच्चे के साथ कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, कुछ न कुछ अनहोनी होगी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत अधिक समझाया, आग्रह किया कि आप इन पांडवों के साथ संधि कर लो। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर जो है इसी प्रकार से धृतराष्ट्र को बहुत बार समझाने की कोशिश करते थे कि पांडवों के साथ दुश्मनी मोल मत लो, उनके साथ संधि कर लो। विदुर की बुद्धिमता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था। विदुर की बुद्धिमता, विदुर बुद्धिमान थे ना,
तो उसकी बुद्धिमानी का धृतराष्ट्र पर बहुत अधिक प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे। विदुर जो थे बुद्धिमान थे तो धृतराष्ट्र आरंभ में तो उनकी बातें सुन लेते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। विदुर बुद्धिमान था, पहले तो उनकी बातें सुन लेते थे, लेकिन बार बार जो विदुर यही बातें कहते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें, आप पांडवों के साथ संधि कर लें, यह बातें सुनते सुनते विदुर जो है वे ऊब गए थे। वह धृतराष्ट्र विदुर की ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते थे, बोर हो गए थे उनकी बातें सुनते सुनते। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, विदुर मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। एक दिन फिर विदुर धृतराष्ट्र को वही बात समझाने की कोशिश करने लगे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लो, दुश्मनी मोल मत लो। यह बात जैसे शुरू की विदुर ने, तभी धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, गुस्से में बोले, क्योंकि उनकी बातों से वे ऊब गए थे, इस करके वह झुंझला कर बोले, विदुर अब मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ जा सकते हो, पांडवों के पास जा सकते हो। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतपुर में चले गए। धृतराष्ट्र ने विदुर को ये बातें बड़े गुस्से में की और विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की कि विदुर अब मेरी यह बात सुनकर क्या कहेगा, इसकी कोई प्रतीक्षा न करते हुए अंतपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। विदुर ने अपने मन ही मन में सोचा कि अब तो इस वंश का सर्वनाश निश्चित है, यानी कि ये सभी ये जो वंश है ये खत्म ही हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर को भी बुरा लगा, उन्होंने उसी समय अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर के जंगल में उसी तरफ चले गए जहां पर पांडव वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए, विदुर भी उनके हाथ से निकल गया। इस कारण विदुर के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को और भी चिंता हो गई। वह सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर धृतराष्ट्र जो थे वे चिंतित हो गए और सोचने लगे कि मैंने तो यह गलत कर दिया, क्या कर दिया, मैंने विदुर को भी ऐसा क्यों कहा, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी है, यानी अब पछता रहे हैं कि मैंने विदुर को भी यहाँ से भगा दिया है और बहुत भारी मैंने ये भूल कर दी है। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलवाया और कहा, संजय मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था, इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है, तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। अब जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने संजय को बुलाया और संजय को कहा कि मैंने अपने प्रिय विदुर को भी भला बुरा बोल दिया है, जिससे वह क्रोधित होकर के जंगल में चला गया है, तुम जाकर के उसे किसी प्रकार से समझा बुझा करके मना करके वापिस से ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। धृतराष्ट्र की बात सुन करके संजय कहां गए, जंगल में पांडवों के आश्रम में। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौट चलिए। यदि आप, संजय ने जाकर के विदुर से नम्रता से कहा कि धृतराष्ट्र ने जो आपको बोला था अपनी उस भूल पर वे पछता रहे हैं, यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राणों को त्याग देंगे, इसलिए आप कृपा करके वापस लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। संजय के बताने के बाद कि धृतराष्ट्र अब पछता रहे हैं, यह बात सुनने के बाद विदुर जो है
युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर के हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने आए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया। हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र के पास जब वे गए थे तो धृतराष्ट्र ने उनको बड़े प्यार से अपने गले से लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। क्या बोला धृतराष्ट्र ने, हे विदुर, तुम तो निर्दोष हो। मैंने जो एकदम से बिना सोचे समझे आपको भला बुरा बोल दिया है उसका बुरा मत मानना और मुझे माफ कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। कौन? महर्षि मैत्रेय दरबार इसके धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। राजा धृतराष्ट्र ने उनका समुचित अच्छी प्रकार से आदर सत्कार किया और उनको खुश किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जंगल के वन में आपने मेरे प्यारे वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल तो हैं? क्या पूछा उन्होंने महर्षि मैत्रेय से हाथ जोड़ करके कि मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडव जो हैं वे जंगल में हैं और कुरु जंगल के वन में हैं, तो आपने उनको देखा होगा, वे ठीक तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। क्या बताया मैत्रेय ने कि काम्यक वन में अचानक मेरी युधिष्ठिर से भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। किनसे मिलने? युधिष्ठिर से मिलने के लिए दूसरे ऋषि मुनि भी आए थे। युधिष्ठिर से मिलने के लिए दूसरे ऋषि मुनि भी उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। क्या बताया महर्षि मैत्रेय ने कि जो भी हस्तिनापुर में उनके साथ हुआ है वह सारी बातें उसने मुझे युधिष्ठिर ने बता दी हैं। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या बताया मैत्रेय ने कि मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ क्योंकि आपके और भीष्म के रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देख कर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जब महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र से ये बातें कर रहे थे तो उसी समय दुर्योधन भी सभा में थे। मुनि ने दुर्योधन को देखकर उन्हें कहा कि हे राजकुमार, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि तुम पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो और उनसे वैर मोल मत लो, उनके साथ प्यार प्रेम कर लो, संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। ऋषि ने दुर्योधन को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन कैसा था? जिद्दी था और नासमझ, यानी समझना नहीं चाहता था। महर्षि की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। महर्षि ने जब उन्हें बोला तो वह उसका मतलब कुछ भी जवाब उसने नहीं दिया, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ मारा और पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगा और हंसता हुआ खड़ा रहा, यानी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। दुर्योधन की इस डिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। दुर्योधन ने जैसे डिठाई की उसको देख करके महर्षि को बड़ा गुस्सा आया। जैसे कि उन्होंने जांघ पर हाथ ठोका और खड़ा होके हंस रहा था, तो इस तरह के दुर्योधन के व्यवहार को देखकर महर्षि को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। क्या बोला उन्होंने महर्षि ने दुर्योधन को कि तुम याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे।
यानी जो अब तुम घमंड दिखा रहे हो, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसका फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। इसी बीच क्या हुआ, हस्तिनापुर में जो भी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के बारे में श्री कृष्ण जी को भी पता चला। उन्हें ये पता चला कि पांडव द्रौपदी सहित वन को चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि पांडव वन को चले गए हैं, तो वह उसी समय वन की तरफ चल पड़े जहां पांडव रुके हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकई, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, दृष्टकेतु आदि भी गए। जब श्री कृष्ण जी वन में पांडवों से मिलने के लिए गए तो उनके साथ कौन कौन थे, उनके साथ थे केकई, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, दृष्टकेतु आदि। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। जो ये लोग पांडवों से मिलने गए, इन लोगों का पांडवों के साथ बड़ा ही प्यार भरा संबंध था और वे पांडवों को बड़ी श्रद्धा भाव से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली, द्रौपदी श्री कृष्ण को भाई बोलती थी और वह द्रौपदी को बहन बोलता था। तो वह अपने भाई श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह उठी। जैसे ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण के देखते ही द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे अविरल बिना रुके, क्योंकि अपने को देखकर जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो अपने किसी व्यक्ति को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वह बोली, रो रही थी इस कारण बड़ी मुश्किल से वह बोल पाई, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे न रहे। द्रौपदी ने क्या कहा श्री कृष्ण को कि इस तरह मेरा अपमान हुआ है, मेरा अपमान होने के बाद मेरा जीना एक तरह से बेकार है, कोई भी मेरा नहीं रहा, आप भी मेरे न रहे। गुस्से में बोल रही है, बड़ी परेशान है द्रौपदी, इस कारण वह श्री कृष्ण जी को ऐसा बोल रही है। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी, यानी कि द्रौपदी यह कहते कहते रोती रही। वह आगे न बोल सकी, रोने के कारण उससे बोला नहीं गया। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और उन्होंने धीरज बंधाया। श्री कृष्ण ने रोती हुई द्रौपदी को बहुत अधिक समझाया और उनको धैर्य बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो, मैं वचन देता हूं कि मानो हाँ जो थे ये श्री कृष्ण जी कि जिन्होंने तुम्हारा द्रौपदी को कहा कि जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है वे सब सब की सब उनकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर के पड़ेंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, पांडवों की मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा और तुम फिर से साम्राज्य के पद को सुशोभित करोगी, यानी तुम फिर से रानी बनोगी, हस्तिनापुर की रानी बनोगी, युधिष्ठिर राजा बनेंगे और तुम रानी बनोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी को सांत्वना दी और कहा कि श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। इसके बाद श्री कृष्ण जी पांडवों से विदा लेकर चले गए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। अर्जुन की पत्नी थी ना सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा को और उसके पुत्र को अभिमन्यु को, कौन था सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, उनको भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। कौन, श्री कृष्ण जी।
द्रौपदी के पुत्रों को लेकर जिष्टदुमन पांचाल देश चला गया। और द्रौपदी के जो बाकी पुत्र थे उनको लेकर धृष्टद्युमन पांचाल देश चला गया। अभिमन्यु को तो श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी ले गए और द्रौपदी के बाकी पुत्रों को धृष्टद्युमन पांचाल देश लेकर चले गए। ये लेसन हो गया कंप्लीट। और इसके साथ अगला लेसन और है, वो भी हम करते हैं। 17 लेसन है ये, इसमें 18 गलत है, पिछला 16 था, 15 तक हमारे पहले हो गए थे, 16 अब हो गया, 17 ये है। देखिए, भीम और हनुमान का वर्णन है इसमें। सुहावना मौसम था, द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी, इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। सुहावना मौसम था, द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी, एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ आया और द्रौपदी के पास गिरा। द्रौपदी उसे उठाकर भीमसेन के पास जाकर बोली कि क्या तुम मुझे ऐसा ही फूल लाकर, कुछ और फूल लाकर दे सकते हो? यह कहती द्रौपदी हाथ में फूल लिए हुए युधिष्ठिर के पास भी दौड़ी चली गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े। द्रौपदी ने फूल मांगा तो भीमसेन वैसे ही कुछ और फूल लाने के लिए चल पड़े। चलते चलते वह एक पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। चलते चलते वह कहां गया? पहाड़ की घाटी में पहुंच गया जहां केले के पेड़ों का बगीचा था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। जो बड़ा सारा बगीचा था उस बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर जो था वह रास्ता रोके हुए लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगाया तुमने? जो रास्ता रोके हुए बंदर लेटा हुआ था उस बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ इसलिए लेटा था और मेरी अभी आंख लगी थी, तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी, तुमने मुझे क्यों जगाया? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर ने जब मनुष्य जैसी ऐसी बातें की तो भीम को बड़ा गुस्सा आया और बोले, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का पुत्र हूँ और कुंती का बेटा हूँ, कुरुवंश का वीर हूँ और कुंती का पुत्र हूँ, बेटा हूँ, मुझे मत रोको, मुझे आगे जाने दो, मेरे रास्ते से तुम हट जाओ। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। बंदर ने क्या कहा, देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बड़ी मुश्किल से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है, यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांग करके चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग से लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? भीम ने कहा कि किसी जानवर को लांगना तो अनुचित है और इसीलिए मैं रुक गया, नहीं तो तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला जाता। बंदर ने पूछा, फिर भाई मुझे बताओ हनुमान कौन था जिसने समुद्र को लांग दिया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोले, क्या कहा, तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठ कर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। जब बंदर ने पूछा कि हनुमान कौन था, यह बात सुनते ही भीम को और अधिक क्रोध आ गया और वे गुस्से में बोले कि तुमने क्या कहा, तुम महावीर हनुमान के बारे में नहीं जानते? मुझे उठकर रास्ता दे दो, अपनी मृत्यु को नोता मत दो, यानी अपनी मृत्यु को मत बुलाओ, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ,
इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। जब भीम ने उसे गुस्से में कहा कि मुझे रास्ता दे दो, उठकर एक साइड हो जाओ, क्यों अपनी अपने मृत्यु को न्योता दे रहे हो, यह बात सुनकर भी बंदर बड़े करुण स्वर में बोला कि हे वीर, तुम शांत हो जाओ, इतना क्रोध क्यों करते हो, इतना क्रोध मत करो। यदि तुम मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लग रहा है तो जरा मेरी पूंछ को ही हटाकर एक तरफ कर दो और तुम चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उसे जरा भी हिली उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा, यह बात क्या है। भीमसेन ने क्या कहा, क्या किया, बंदर की पूंछ को एक हाथ से पकड़ लिया, लेकिन आश्चर्य की क्या बात रही कि पूंछ को पकड़ तो लिया लेकिन उसे जरा भी हिला डुला नहीं सका। बड़ा उसे ताज्जुब होने लगा कि ये क्या बात है, ये पूंछ भी क्यों नहीं हिल रही है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया। भीम ने उस पूंछ को पहले तो एक हाथ से पकड़ा था, अब दोनों हाथों से पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। किंतु क्या हुआ, पूंछ वैसी की वैसी रही, हिल नहीं सकी। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। भीम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा, हैरानी होने लगी कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझसे भी अधिक ताकतवर ये कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। भीम के मन में जो शक्तिशाली लोग होते थे उनके लिए बड़ी श्रद्धा होती थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करो, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। जो भीम था वह नम्र हो गया और बोला कि मुझे माफ करो, आप कौन हैं? मुझे बताओ। तो हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, मैं ही हनुमान हूँ। जो बंदर लेटा हुआ था वह कौन था, वही हनुमान थे। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। भीम ने क्या कहा हनुमान से कि हे वानर श्रेष्ठ, यानी वानरों में श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर और भाग्यशाली कौन व्यक्ति होगा जो मुझे आपके दर्शन हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। भीमसेन ने हनुमान को कैसे प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति कौन है, हनुमान को कहा जाता है मारुति। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। हनुमान ने आशीर्वाद देते हुए क्या कहा था कि हे भीम, जब युद्ध होगा तो युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी होगी उस ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा और विजय तुम्हारी ही होगी, तुम ही युद्ध जीतोगे। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। जिन फूलों की तलाश में भीमसेन गया था, हनुमान ने भीमसेन को वे फूल वहां पर झरने में के पास दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। पहले तो वह हनुमान या बंदर वाली घटना में उलझे हुए थे, फूल का उनको दिमाग में भी नहीं रहा था। जैसे ही हनुमान ने भीम को फूल दिखाए तो फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी की याद हो गई कि हाँ, द्रौपदी ने उससे फूल मंगवाए थे। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। भीम ने फिर जल्दी से फूल तोड़े और अपने आश्रम की ओर चला गया। तो ये दो पाठ आज आपके हुए हैं, इनको रीड कर लेना और इंटरनल क्वेश्चन भी बना लेना, और इसके साथ मैं दोनों पाठों के क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी, तो आप उनको भी साथ साथ लिखेंगे और याद करेंगे। अब मैं दोनों पाठों में से आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो उन क्वेश्चन के आंसर देंगे जिस बच्चे का भी मैं नाम लूंगी।
मान सभरवाल, मान सभरवाल।